सुनिएगा, देखिए अभी आप लोग पहले पढ़ाए कोशिका के बारे में, कोशिका क्या है, उसके बाद बताए कोशिका प्रकार, प्रकार बताए तो कोशिका के आकार के आधार पर प्रकार बताए, उसके बाद बताए कोशिका की खोज। अब पहले कोशिका की संरचना क्या होती है, संरचना मीन्स उसकी बनावट क्या क्या रहता है, इसके बारे में पढ़ना है, और इसी पर पूरा टॉपिक तो मनाया, पूरा चैप्टर उसी पर कोशिका की संरचना पर। तो सबसे पहले कोशिका की संरचना देखा जाए तो कोशिका की तीन संरचनाएं होती है, ठीक है, कोशिका की तीन संरचनाएं होती है, तीन कोशिका की तीन संरचनाएं होती है। सबसे पहला कोशिका झिल्ली, ठीक है, सबसे पहला कौन सी होता है, कोशिका झिल्ली। दूसरा होता है कोशिका द्रव, ठीक है, और तीसरा होता है केंद्र, ठीक है। सबसे पहले कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव, और तीसरा केंद्र। तो कोशिका झिल्ली अगर देखा जाए तो कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन मीन्स एक सतह, ऊपर की सतह जो होती है उसी को बोलते हैं मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा कोशिका द्रव, कोशिका द्रव मीन्स अभी हम बताए थे से जब पढ़ा लेता हूँ कि कोशिका के अंदर जीव द्रव होता है, ठीक है, तो जो जीव द्रव होता है उसी को कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक है। जीव द्रव की वह भाग जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में हो उसे कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग केंद्रक के बारे में, ये कोशिका की तीन संरचनाएं होती है। बट अभी सबसे पहले पढ़ना है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली है क्या, ठीक है। अभी अंतिम बता रहे थे कोशिका झिल्ली, कोशिका की तीन संरचनाएं होती है, पहले सबसे फर्स्ट आता है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली क्या है, तो कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं तो बता सकते हैं, कोशिका प्रत्येक कोशिका के, चाहे वो कोशिका कोई भी कोशिका हो, चाहे वो जंतु कोशिका हो, पादप कोशिका हो, उसे कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर, सबसे बाहर या सबसे ऊपर पतली मुलायम लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर पतली मुलायम लचीली झिल्ली होती है जिसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। जैसे ये देखिए ये कहती है ये बहुत ही पतला है, मुलायम है, लचीली है, ये है कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये जंतु कोशिका में हो गया, उसी प्रकार से पादप कोशिका में भी होता है, बस अंतर नहीं है कि पादप कोशिका के सबसे बाहर एक और आवरण होता है जिसे लोग कहते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है, जो हम आगे पढ़ाएंगे। पहले कोशिका झिल्ली देखिए, ये मैं समझ में गया कि सबसे पतली मुलायम लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पादप झिल्ली भी कहा जाता है, चयनात्मक प्रागम्य झिल्ली भी कहा जाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेमी परमेबल, ठीक है। अब इसको चयनात्मक परगम्य झिल्ली या अर्ध परगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन और आया। तो कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परगम्य झिल्ली या अर्ध परगम्य झिल्ली इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोशिका झिल्ली जो है वो हमारे शरीर के अंदर से तथा बाहर से कि दोनों तरफ से कुछ कुछ वस्तुओं को आने जाने देता है, जिसके कारण इसे चयनात्मक चयन करके के आने जाने देता है, मैं किसको आना है किसको जाना है। ऐसे एक्सपर्ट में आने के लिए सभी आ जाएगा ना, कुछ और सभी चल जाएगा यहाँ से, क्लास में आने के बाद ब्रेकअप है कि हाँ इतना वो ही बचा जा सकता है ना, अगर नहीं होता सब उठता सब जाता, तो जिसको हमको मर्जी तो उसी को बाहर भेजते हैं, ये सब बाहर भेजेंगे की बात नहीं भेजेंगे, तो उसे उसी कहते चयन करके बाहर भेजना, ठीक है। तो उसी कहते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, क्लियर। जैसे कि हमारे शरीर के बाहर आता है पसीना, अभी गर्मी के दिन आ रहा है पूरा पसीना आ जाएगा बाहर में, कहाँ से आया पसीना, क्या ऊपर निकल रहा था हमारे बॉडी के अंदर से निकल रहा है, तो बॉडी के अंदर से बाहर निकल रहा था किसके द्वारा निकल रहा है, सेमी परमेबल होने के कारण कोशिका झिल्ली के द्वारा बाहर आ रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं चयनात्मक परगम्य झिल्ली, क्लियर है तक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि कोशिका झिल्ली बना किसी का होता है,
तो कोशिका झिल्ली जो है वो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। तो देखिए ये कोशिका है, ठीक है, कोशिका के दो परत जो होता है अंदर और बाहर का जो परत होता है वो लिपिड का होता है और बीच में एक परत जो होता है वो प्रोटीन होता है। ये और ये लिपिड हो गया, ठीक है, और ये जो हो गया वो प्रोटीन का हो गया। तो कोशिका के दो परत जो होते हैं वो लिपिड के बना होते हैं और एक परत जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। क्लियर, कोई दिक्कत? कोशिका झिल्ली कहाँ पाया जाता है? प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर बहुत ही पतली मुलायम लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है, जो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है? लेकिन अब एक क्वेश्चन और है कि इसका काम क्या है, कोशिका झिल्ली क्या करता है? तो कोशिका झिल्ली जो है वो हमारे शरीर में मौजूद कोशिका को एक निश्चित आकार या रूप प्रदान करता है, ठीक है, माने उसका आकार कह सकते हैं, निश्चित आकार प्रदान करता है। दूसरा, कोशिका को कोशिका झिल्ली यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, ठीक, बस ये नहीं रख दो बहुत ज्यादा नहीं। देखिए अभी पढ़ाए कोशिका झिल्ली, बताया कोशिका की संरचना तीन होती है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्र, तो कोशिका द्रव और केंद्र नेक्स्ट का पढ़ा दिया जाएगा। अभी सबसे पहले चला कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली जो है अभी बताया जैसे कि आप लोग को कि कोशिका झिल्ली प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर पतली मुलायम लचीली एक आवरण होती है या परत होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। बस उसी के तरह एकदम सेम वे जस्ट अपोजिट और समझ है, ठीक है, कि प्रत्येक कोशिका नहीं, प्रत्येक पादप कोशिका, कोशिका भित्ति जो है वो प्रत्येक ये पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, और कोशिका भित्ति जो होता है वो पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण होता है, जो हम लोग देखते हैं कि पौधे के सबसे बाहर जो परत होता है वही कोशिका भित्ति है, ठीक है, और कोशिका भित्ति के नीचे होता है कोशिका झिल्ली, ठीक है, पादप कोशिका भित्ति, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली जो प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर होता है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति रहता है, ठीक है, तो कोशिका भित्ति किसे कहेंगे? तो प्रत्येक पादप कोशिका में सबसे ऊपर एक कठोर कोशिका झिल्ली जो है वो लचीली है, मुलायम है, पतली है, जबकि कोशिका भित्ति जो है वो एकदम कठोर आवरण होता है, कठोर मजबूत एक आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। क्लियर, प्रत्येक पादप कोशिका के सबसे ऊपर एक बहुत ही कठोर मजबूत एक आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है, कोशिका झिल्ली बताएंगे, कोशिका झिल्ली जो है वो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, जबकि कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज का बना होता है, किसी का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है, ठीक है, कोशिका भित्ति किसी का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। अब सेलुलोज है क्या? तो सेलुलोज एक प्रकार के जटिल पदार्थ, ठीक है, सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक प्रकार के जटिल पदार्थ, सेलुलोज जो है एक प्रकार के जटिल पदार्थ जो कोशिका में मजबूती प्रदान करता है, ठीक है, और कोशिका को निर्जीव बनाए रखता है ना, कौन? सेलुलोज। ये सेलुलोज किसे पाया जाता है? कोशिका भित्ति में। यही कारण है कि प्रत्येक पादप कोशिका में सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है, क्लियर। इसमें एक चीज और हम बताए थे कि कोशिका झिल्ली जो है
वो चयनात्मक परगाम झिल्ली होता है, जबकि कोशिका भेदी चयनात्मक परगाम झिल्ली नहीं होता। क्लियर? अब इसका कार्य लिख लेना, कार्य के बारे में पढ़े कि कोशिका भेदी का कार्य क्या, कोशिका भेदी का कार्य, कोशिका भेदी जो है वो कोशिका को सूखने से बचाता है, उसके बाद कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है और कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है। ठीक बचाई करता है, सबसे पहला नंबर कोशिका को सूखने से बचाए रखता है, अर्थात कह सकते हैं कि पौधों को हरियाली प्रदान करता है। दूसरा, कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है। और तीसरा, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है। क्लियर? प्रथम कोशिका और कोशिका झिल्ली हो गया। नेक्स्ट क्लास में आप लोग बताया जाएगा कि कोशिका द्रव्य क्या है। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य पढ़ के आइएगा आप लोग घर से, कल कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ाएंगे। कोशिका द्रव्य में बहुत सी कोशिका अंगक होती है, उसके बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।